काल्पनिक? क्या हुआ? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा, यहाँ कोई नहीं है। चल चलते। मानव क्या कर रहे हो? आराम से बैठो। जी सर। और सर फिर से सॉरी, अगली बार से ऐसी शरारत नहीं करूंगा। और अब मैं तुम्हारी कोई मस्ती और शरारत सहूंगा भी नहीं। इज दैट क्लियर? यस सर। सिट डाउन। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा। क्या हो गया था तुझे? पता नहीं मैं, कल जैसे मुझे बॉल एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा था, वैसे सर आज मुझे एक ड्रम दिखाई दे रही थी। क्या हो गया था तुझे? तू सर को ड्रम क्यों बोल रहा था? वो मैं मानो चुप चुप रह तू, तू इधर आ जल्दी जल्दी। क्या है तुझे, हर चीज में अपनी नाक घुसानी जरूरी है क्या? पीछे बैठ। मानव देख। क्या देख? मेरा मतलब तो सुन। ओ सुना। देख मानव, इस बल्लू लल्लू को ना कल के बारे में या आज के बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? वरना ये सब बच्चों की तरह हम पे हंसेगा, फिर घर जाकर मम्मी पापा को भी बताएगा उनका लाडला। हम ट्रिप के बाद सीधा बालवीर को ही बताएंगे। ओके? मानो सर की डांट की वजह से उदास हो गया, कुछ करना पड़ेगा जिससे उसके चेहरे पे हंसी आ जाए। तराज, भयंकर परी का वो जादुई डंड हमारे हाथ आते आते भी हमसे दूर चला गया। नाराज, मुझे लगता है कि वो जादुई डंड तौबा तौबा को मिल गए और उसी दंड के जरिए वो पृथ्वी लोक के बच्चों को परेशान कर रहा है। अगर ऐसा है तराज, तो हमें किसी भी हालत में तौबा तौबा से वो दंड हासिल करना ही होगा। लेकिन नाराज, खुश रहो नाराज नाराज परी। खुश रहो भवंडा परी। तुम अरे अरे, तुम दोनों मुझसे डर क्यों रहे हो? भवंडर परी, तुम तो सर्वदा कैद खाने में थी ना, तुम वहां से आजाद कब हुई और कैसे? जब तुम्हारी प्यारी परियां उनकी सबसे बड़ी दुश्मन भयंकर परी को कैद कर दी थी, तब उन्हें ये नहीं पता था कि वो भयंकर से भी भयंकर बवंडर परी को आजाद कर रही है। बवंडर परी, मैं अभी जाकर बाल परी को बता दूं कि तुम आजाद हो गई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूं, क्योंकि तुम जैसी दुष्ट परी की जगह सर्वदा कैद खाने की चार दीवारी में। मैं तो दुष्ट हुई, पर तुम दोनों कौन सी दूध की धुली हो? आस्तीन का सांप हो तुम लोग। जाओ बता दो परियों को कि मैं आजाद हो गई, फिर मैं भी बताऊंगी कैसे तुमने भयंकर परी का साथ देकर परियों के पीठ पर छुरा भोंका है, कैसे तुम भयंकर परी को बचाने के लिए सर्वदा कैद खाने में पहुंची थी, सब बताऊंगी। मेरा तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन सारी परियां मिलकर तुम दोनों को सर्वदा कैद खाने में जरूर कैद कर। रुकी क्यों?
जाओ जाकर बता दो कि भवंडर परी आजाद हो गई है। चाहती क्या हो तुम हमसे भवंडर परी? वही जिसे पाने के लिए तुम सर्वदा कैद खाने में आई थी। भयंकर परी का तरीका तन मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। पहले करती थी परेशान मुझे परी भयंकर, अब कर रहा है परेशान उनका जादूतन। पहले मारती थी थप्पड़ मुझे परी भयंकर, लेकिन अब पड़ता है मुझे थप्पड़ उनके जादूतन की वजह से। पता नहीं है कहाँ और किसके पास वो जादुई दंड, ढूंढू कहाँ ढूंढू कहाँ। आरती क्या बात है, तुम्हारे हाथों में तो कमाल का जादू है। जादू जादू हाथों में जादू, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। इन जादुई हाथों के जादू को बचा कर रखेंगे। क्या समझ है, समा लिया इस औरत ने जादुई दंड को अपने हाथों में, और इस आदमी ने पहना दिया है जादुई बेड़िया उन हाथों में, ताकि किसी को पता ना चले। अभी हूँ मैं चिंता ये जादुई दंड। क्या बकवास कर रहे हो, इसका हाथ मैं मांग चुका हूँ। नहीं लूंगा मैं ये हाथ, ये हाथ मुझे दे दे, ये हाथ मुझे दे दे। हाथ चाहिए? पड़े मुझे कितने भी मार, नहीं छोड़ूंगा मैं, छोड़ूंगा ये हाथ तो मैं देख कर रखूंगा। श्रीमती जी ये हाथ मुझे दे दो। अरे अब मुझे क्या, उसको पकड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा अरे छोड़ो, अरे मुझे दे दो श्रीमती जी। चोर चोर, अरे देखो मेरे पकड़ लिया इन लोगों ने तो फिर से होगी पिटाई बहुत। वो भागता यहाँ से, वो भागता। लेकिन भवंडर परी तुम उस जादुई दंड का करोगी क्या? मैं डर फैलाऊंगी, तूफान लाऊंगी, कांपेगी परिया और बच्चे मेरे नाम से, और सबसे बड़ा काम ये मैं उनके रक्षक बालवीर का खात्मा करूंगी। पर मेरी शक्तियां बालवीर का सामना नहीं कर सकती। एक बार मुझे भयंकर परी का दंड मिल जाए, उस दंड को मैं अपने दंड में शामिल कर लूं, तो मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर बालवीर मेरा सामना कभी नहीं कर पाएगा। इसमें हमारा क्या फायदा है? फायदा ही फायदा है। अगर तुम लोगों ने मुझे दंड नहीं दिया, वो तो मैं वैसे भी तुमसे छीन लूंगी, और उसके बाद बाकी परियों के साथ तुम्हारा भी सर्वनाश कर दूंगी। और अगर मुझे तुमने दंड दे दिया तो हो सकता है मैं तुम दोनों को बख्श दूं, तो
सोच लो, बनोगी मेरी साथी? जल्दी सोचो। ठीक है, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सच ये है कि भयंकर परी का वो जादुई डंड हमारे पास नहीं है। झूठ! नहीं पवंडर भाई, ये बिल्कुल सच है। दरअसल हमारी और तौबा तौबा की लड़ाई में वो दंड उड़ली में गिर गया और वहां से गिरकर पृथ्वी लोक पहुंच गया और तौबा तौबा उसे ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक गए और हमें लगता है कि शायद उसे वो दंड मिल भी गया क्योंकि उसी दंड के जरिए वो बच्चों पर जादू कर रहा है। क्या? हाँ, हम जानते हैं कि इतने बड़े पृथ्वी लोक पर तौबा तौबा को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, तौबा तौबा को ढूंढने का एक उपाय है हमारे पास। चलो ड्राइवर। पाएगा मजा। क्यों बस, आप पिज्जा मंगवा रहे हो? नहीं, तुम दोनों को पिज्जा बना रहे हो। सॉरी बस, सॉरी सॉरी बस, सॉरी। मानो नाचने लगे जंगली की तरह और कर दे परेशान टीचर को।
लगता रास परी, अब मुझे यकीन हो गया कि भयंकर परी का वो जादुई डंड तौबा तौबा के पास ही है। वो दंड अभी तौबा तौबा के पास जरूर है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तौबा तौबा को पता नहीं उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला है। उससे जादुई दंड छीनने के बाद भयंकर परी के दंड की शक्तियों को मिलाऊंगी अपने दंड की शक्तियों के साथ और बन जाऊंगी महाशक्तिशाली और करूंगी अंत उस बालवीर का। बवंडरपुरी, रोधा कैद खाने से आजाद कैसे हुई तुम? बेवकूफ परियों की वजह से। तुम्हारी परियों ने मुझे आजाद किया। नहीं कर सकती ऐसा परिया कभी। मुंह जाकर बता दा परियों को तुम्हारी साजिश के बारे में। मुंह जाकर बता दा कि आजाद हो गई हो तुम। डूबा डूबा और बताऊंगा सबसे कि तुम दोनों साथ दे रहे हो बाउंडर परी का।